मिली भगत से साजिश के तहत बैंक ने करी है। तो अगर इनकी बैंक की बेरसियत ले गए तो झाझा इसकी ब्रांच है हमारे संबंधित क्षेत्र की, वहाँ से अगर पूरी जांच की जाए तो इसमें निकल के बहुत बड़ा एक वो आएगा घटिया, खा के मरेंगे नहीं तो हम मोड़ा मणि नहीं कैसे खुआंगे, क्या कह रहे थे। इस वक्त हम राजधानी भोपाल यानी भोपाल जिले के गरेठिया दांगी जो रूरल एरिया है उस गांव में हम मौजूद हैं, और मेरे पीछे आप तस्वीरों में खेत देख रहे हैं। 28 एकड़ का रकबा है जहां पर अनुसूचित जाति से महिला हैं शांतिबाई और उनके 3 बेटों का ये जो है संयुक्त खेत है, और 28 बीघा का ये पूरा रकबा है। लेकिन हाल ही में इस 28 एकड़ के पूरे खेत को SBI बैंक ने नीलाम कर दिया है। भोपाल के बैरसिया तहसील के एक छोटे से गांव गरेठिया दांगी में दलित शांतिबाई मेहर के परिवार की आंखों में आज सिर्फ आंसू हैं। 28 एकड़ की बेसकीमती जमीन जिस पर उनका जीवन टिका था अब उनके हाथों से छिन चुकी है। यह जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। शांतिबाई की आवाज़ कांपती हैं जब वह बताती हैं कि कैसे उनका बेटा नर्मदा प्रसाद बैंक के अधिकारियों के सामने गड़गड़ाता रहा लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जी मामला है साहब, हमने लोन लिया था तो हमने एक ट्रैक्टर लाया था, वो 4 लाख को क्रेडिट कार्ड है जिला था, कुल हमारी कितने 6-7 लाख रुपया है बस। जी परेशान पड़ रही, अब हम जाग का ऑपरेशन भाव, माथे का ऑपरेशन भाव और फसलों की ठिकान नहीं है, जी परेशान पड़ रही साहब। और हमारे कितने 15-16 मोड़ा मोड़ी है जी, 4-6 जाके है, 4-5 एक बाक है, जब बताओ हमारा होगो का। 28 एकड़ है, खा के मरेंगे नहीं तो हम मोड़ा मोड़ी नहीं कैसे खुआंगे, क्या कह रहे थे। यह परिवार जो पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर रहा था आज बेघर है। 17 सदस्यों वाला यह परिवार अब गहरे संकट में है। जमीन से मिलने वाली फसल ही उनका पेट भरती थी लेकिन अब वे असहाय महसूस कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि जिस जमीन पर उनकी पीढ़ियां पली बढ़ी उसे अब कुछ ही पैसों में बेच दिया गया है। शांति की आंखों में आंसू और दिल में दर्द है जब वह कहती हैं हमारा तो सब कुछ चला गया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सरकार सहित राज्य अनुसूचित जाति को पत्र लिखकर जांच कर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। इधर राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर जांच कर प्रतिवेदन भेजने को कहा है। कहूंगा इतनी मिली भगत से साजिश के तहत बैंक ने करी है, तो अगर इनकी बैंक की बेरसियत ले गए तो झांझा इसकी ब्रांच है हमारे संबंधित क्षेत्र की, वहां से अगर पूरी जांच की जाए तो इसमें निकल के बहुत बड़ा एक वो आएगा षड्यंत्र, जहां तक लेकर और जहां तक भी हमारा केस है वहां तक एक षड्यंत्र हो रहा है पूरा। यह परिवार आज बेघर है, उनके सपने और उनकी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। वो जमीन जो उनकी पहचान थी अब किसी और की हो गई है। इस दर्द में डूबा हुआ परिवार आज न्याय की आस लगाए बैठा है, पर सवाल यह है क्या उनकी आवाज़ कोई सुनेगा। दमूक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है, यह संविधान लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।